हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन रेसिपीज। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलिशियस दम आलू मसाला बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बनाएंगे इसको और बहुत ही लाजवाब बनकर आती है इस तरीके से ये रेसिपी। शेयर करूँगी आपके साथ। अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक मसाला बनाकर हम तैयार करेंगे, जिसके लिए ड्राई रोस्ट करेंगे 2 चम्मच जीरा, 2 साबुत लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी लौंग, 2 से 3 ही हमने यहाँ पे लेनी है हरी इलायची, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच ब्लैक पेपर। सब चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि ज़ीरा हमारा थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। और ये एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा इसमें हम डाल देंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन नज़र आने लगे ज़ीरा, तो इसको ठंडा कर लें, गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको शिफ्ट कर लें किसी दूसरे बाउल में। अब यहाँ पर मैंने ये छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, जो बढ़िया लगते हैं दम आलू, जब हम सर्व करते हैं देखने में अच्छे लगते हैं। तो आप उसको छील के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 आलू दिखाए, या फिर इस तरीके से छिलके के साथ भी अच्छे से इसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैं आज कर रही हूँ इस रेसिपी के लिए। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अब जो खड़े मसाले लिए थे उसको हमने ठंडा कर लिया और उसको पीस के इस तरीके का पाउडर बना लिए। इसको निकाल कर रख लेते हैं एक बाउल में और इसका इस्तेमाल करेंगे हम आगे। अब हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, जिसके अंदर बटर को गर्म करेंगे 1 टीस्पून के करीब, और 1 से 2 टीस्पून इसमें हमने लिया है कुकिंग ऑयल। और इसके बाद इसके अंदर हम स्टर फ्राई करेंगे जो आलू हमने अच्छे से धोकर कर लिए हैं तैयार। आलू को इस तरीके से स्टर फ्राई करने से टेस्ट भी एनहांस हो जाता है, साथ साथ आलू पार्शियली पक भी जाते हैं, जिससे कि ग्रेवी में फिर हमें आगे उसे कम पकाना पड़ता है। तो आलू को इस तरीके से हम स्टर फ्राई कर लेंगे, जिससे कि बाद में फिर ग्रेवी में हमें आलू को कम पकाना पड़ता है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने ये 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसका इस तरीके से हमने बना लिया है पेस्ट। साथ में 1 टमाटर लिया है, अच्छा बड़ा लाल रंग का टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो खटास आ जाएगी ग्रेवी में। पका हुआ टमाटर लेंगे और इस तरीके से इसका भी हम प्योरे बना लेंगे। सिंपली बस ब्लेंडर में इसको काट के डालकर और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे इनटू अ स्मूथ प्योरे इस तरीके से। तो ये प्याज टमाटर हमारा तैयार हो गया, मसाला हमारा तैयार हो गया। अब चलते हैं बनाते हैं इससे हम ग्रेवी, जिसके लिए हमने 4 से 5 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें डाला है सबसे पहले प्याज का जो पेस्ट बनाकर तैयार करा है, और इसको सुनहरा होने तक हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। तो प्याज का जब तक पानी नहीं सूख जाता, खुश्क नहीं हो जाती प्याज, और साथ साथ हल्का सुनहरा रंग नहीं हो जाता प्याज का। साथ में ही डाल देंगे इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको फिर से भून लेंगे। इस टाइम पे बस अब इसमें डाल देंगे जो टमाटर प्यूरे हमने बनाई है, वो मिक्स करेंगे इसको। और अब इसके अंदर डालना शुरू करेंगे हम सूखे मसाले, थोड़े से अलग से, जो हमने स्पाइस मिक्स बनाया उसके अलावा। तो 1-2 मिनट इस तरीके से हमने मीडियम फ्लेम पे टमाटर के साथ प्याज को भी भून लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे हम नमक, साथ में डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे रंग भी बहुत अच्छा आता है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच के करीब इसमें हमने डाली है हल्दी। अच्छे से करेंगे मसालों के साथ इसको मिक्स। और अब हमें इसको पकाना है, साथ में ही डाल देंगे जो स्पाइस मिक्स हमने तैयार करा था वो भी, ताकि मसाले इसमें पूरे चले जाएं। तो जैसे ही आप मसाला इसमें डालेंगे, तो क्योंकि हमने ज़ीरे को अच्छे से ब्राउन करने के बाद इसको पीसा है, तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रेवी का जो रंग है वो एकदम से बदल जाएगा। और इसी टाइम पे इसमें आपको डाल देनी है ये 1/3 कप के करीब दही। तो दही जो आप डालें, ध्यान ये रखिए ठंडी ना हो, रूम टेम्परेचर पर ला के दही को अच्छे से फेंट के आपको इसमें डालना है, बिल्कुल धीमी आँच करके, जिससे आपकी दही बिल्कुल फटे ना। दही डालने के बाद हमने इसको कर दिया है मिक्स। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1/4 कप के करीब। और ये देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसी टाइम पे अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू भी डाल देंगे। जो आलू है वो मैंने थोड़े से आलू को बीच में से कट कर दिया और थोड़े से साबुत छोड़ दिए। अगर आप कट नहीं करना चाहते तो आप एक टूथपिक लेके आलू के अंदर होल्स कर सकते हैं, जिससे कि मसाला अंदर तक चला जाए। ढक्कन ढक के इसको करीब करीब 12-15 मिनट के लिए हमें पकाना है धीमी आंच पे, जब तक कि इस तरीके से तेल इसमें से अलग ना होने लग जाए। ये देखिए,
हमने 10 मिनट के करीब इसको धीमी आंच पे पकाया, बीच में एक बार ढक्कन हटा के इसको चला लें ज़रूर से ताकि ये लगे ना। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया ग्रेवी का और ऑयल इसमें से होने लग गया है सेपरेट। थोड़ी सी और आलू में कसर है इसलिए इसको एक बार और ढकेंगे और 4-5 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। जब ये इस तरीके से अच्छे से आलू हमारे पक जाए तब आप इसके अंदर डाल दें थोड़ी सी कुकिंग क्रीम 2-3 टेबलस्पून और इसको वापस से मिक्स कर दें और ढक्कन ढक के 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप टूथपिक से आलू के अंदर होल करके भी डाल सकते हैं जिससे मसाला जो है अंदर तक जाए, पर क्योंकि बहुत छोटे आलू मैंने इस्तेमाल करे हैं जो कि एक बाइट में ही खाए जा सकते हैं तो इसलिए मैंने इसके अंदर होल्स नहीं करे हैं, थोड़े से आलू को अलग से बीच में से काट दिया है। तो ये आपकी चॉइस है किस तरीके से आप आलू को रखना चाहते हैं, या तो टूथपिक से होल कर दें या बीच में से थोड़े से काट दें इस तरीके से। बस इसमें डाला है हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये बिल्कुल तैयार है हमारे बढ़िया एकदम दम आलू। ये देखिए आलू हमारे बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ी सी कुकिंग क्रीम इसमें हम और डाल रहे हैं और साथ में डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये बिल्कुल रेडी है। एक आध मिनट के लिए इसको ढक्कन ढक के पकाएंगे और गैस का फ्लेम बंद करके इसको गर्मा गर्म करेंगे इस तरीके से प्लेट आउट। तो कुछ बातें जो इस रेसिपी के लिए ज़रूरी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको छोटे आलू ही चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, आप कोई भी तरीके के आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी शेप और साइज़ में आलू को काट कर बना सकते हैं। ये सिर्फ प्रेजेंटेबल लगने के लिए छोटे आलू का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आलू को छिलका रखा जाए या उतारा जाए, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप आलू पर छिलका लगे हुए भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक अलग तरीके का देसी स्टाइल ऑफ मेकिंग है ये आलू को छिलके के साथ बनाना। और तीसरा ये कि आप आलूओं को बीच में से काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर छोटे आलू इस्तेमाल करते हैं, और या फिर आलूओं में छेद कर सकते हैं जिससे कि आलू जो है मसाला अंदर तक सोख ले। पर क्योंकि छोटे साइज़ के आलू अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी तरीके से रहने देंगे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बनकर आती है इस तरीके से रेसिपी जिसे मैं आज इन्जॉय कर रही हूँ घी लगी रोटियों के साथ। बहुत ही लाजवाब तरीका है इसको बनाने का, एक बार आप बनाएंगे तो डेफिनेटली बार बार इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ट्रस्ट मी। मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगर आप इस रेसिपी को करते हैं ट्राई तो मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के टैग ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।